नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भारत, जय बिहार। मेरा नाम है विकास कुमार। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में जफर मुस्तफा हैं। जफर मुस्तफा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में हैं। जफर मुस्तफा मूलतः भागलपुर के रहने वाले हैं। मुस्तफा वर्तमान में जाप यानी जन अधिकार पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। समाज में एक बेहतर समाज सेवी के तौर पर मुस्तफा को लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया। क्या लगता है, नाथनगर विधानसभा से जो लड़ाई है वो तो घमासान होने वाली है, ऐसे में खुद को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, नाथनगर की जो लड़ाई है घमासान यकीनन है, लेकिन मैं अपने आप को इन लड़ाई से बहुत आगे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं नाथनगर के, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं बिल्कुल अलग हूँ और मैं सबसे आगे हूँ इस मैदान में। मेरी दौड़ में कोई शामिल नहीं है और मैं अपने आप को, मैं नहीं समझता कि मेरे कोई कंपटीशन में या मैं किसी के कंपटीशन में उतरा हूँ। उसकी कई वजूहात हैं। मैं सिर्फ, चूँकि मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, तो मैं माइनॉरिटी की बात नहीं करूँगा, मैं एक कॉमन बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं जिस पार्टी से आ रहा हूँ, जन अधिकार पार्टी, जो पप्पू यादव की जो पार्टी है, तो पप्पू यादव इस वक्त बिहार में उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो मसीहा के रूप में लोग उनको देख रहे हैं। वो चाहे कोरोना हो या उसे पहले बाढ़ हो या फिर सुखाड़ हो, कुछ भी हो, पप्पू यादव लोगों की जबान पर इसलिए आ जाते हैं कि वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। बाढ़ आया रात में, पानी भरा पटना में, पप्पू यादव सुबह सुबह वहाँ मौजूद है, लोगों के दरमियान में काम कर रहे हैं, किट बांट रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं, खाना राशन पानी सब कुछ। अच्छा, सोचने की बात यह है कि पटना जैसी जगह में, जहाँ पर सारे हैं, अब हमारे सीएम साहब हैं, गवर्नर हैं, सब कुछ है, मतलब सारी व्यवस्था तो सब कुछ वहीं से है, राजधानी हमारी, सब कुछ वहीं से हो रहा है, लेकिन वहाँ पर पप्पू यादव को जाना पड़ रहा है और वहाँ पर जो पूरा सिस्टम होने के बाद भी वो सिस्टम अपने आप में मतलब बंद है, उनको सिस्टम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। तो पप्पू यादव की जो खिदमात है लोगों के दरमियान वो बहुत ही ज़्यादा है और लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं इस वक्त। चूँकि बिहार में, अगर जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, तो आई थिंक आप बिहार को देखें, बिहार की हालत को देखें, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद बिहार जो है कुछ दिनों के बाद आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ जो इसको छोड़ करके गए नहीं थे, सबको छोड़ दिया था अंग्रेज़, यहाँ पर काबिज़ से बोले कि नहीं, हम इसको और बर्बाद करेंगे तब जाएंगे, ऐसा लगता है देख करके। दूसरे राज्य को अगर आप देखें कि वहाँ पर तरक्की कितनी हो गई, वहाँ पर जो मूल सुविधाएं हैं लोग उसकी फिक्र नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ मसाइल जो है, अभी रोटी, दो रोटी और का मसला है, दो वक्त की रोटी का कैसे इंतज़ाम हो, हमारे नौजवान भटक रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है। ठीक है, ये मसला और राज्य में इतना नहीं है जितना बिहार में है। तो उसकी वजह जो है, उसकी वजह ले देकर के यही है कि जो भी आए यहाँ पर, उन्होंने सिर्फ अपनी रोटी से की, ठीक है ना, परिवार को बनाया, खुद को बनाया, उसके बाद जो है लोगों को क्या बनाया, बेवकूफ़। हम लोग बेवकूफ़ बनते चले आ रहे हैं अब तक। तो इस वक्त बिहार में पप्पू यादव वाहिद विकल्प है जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए, वादों की झड़ी उन्होंने ऐसे ही नहीं लगाई, उन्होंने प्रैक्टिकली पहले करके दिखाया कि हम काम क्या कर रहे हैं। उन्होंने कर दिया सेवा की, सेवा करने के बाद उन्होंने कहा देखो हम सेवा हमने किया है, हम आपके पास आना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, आप हमें मौका दें, और लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। इस वक्त बिहार की जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई विकल्प है तो पप्पू यादव, और बाकी कोई नहीं है। इसमें नो डाउट कि पप्पू यादव ने काम नहीं करा है, बाढ़ जैसे हालात हो या फिर कोरोना का काल हो, पप्पू यादव ने खासकर पटना ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में, बिहार के अलावा भी, उन्होंने अपने कार्यों से प्रभावित लोगों को प्रभावित कराया और हकीकत में उन्होंने जमीनी स्तर पर काम कराया, इसमें नो डाउट। इससे पहले रानी चौबे आई थी, हालांकि उनका नामांकन रद्द हो गया है। मैंने भी उनको कहा था कि पप्पू यादव की जो कार्य रहा, अभी तक कार्य किए हैं और जो उनका कार्य रहा है, खैर मसला वो उनका है, लेकिन आपको लोग क्षेत्रीय स्तर पर, आपकी जो पहचान है, आपने जो कमाया है, वो काबिलियत आज आपको काम आएगी। तो आपको ऐसे क्या लगता है कि पप्पू यादव की पार्टी से होने का फायदा मिलेगा या फिर आप जो कमाया है अपने समाज में उसका फायदा मिलेगा? मेरे पास में दोनों चीजें हैं। सिर्फ मैं पार्टी बेस पर नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि नाथनगर विधानसभा में शायद मैं ही वाहिद एक ऐसा प्रत्याशी हूं जो सिर्फ पार्टी की बेस पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरे अलावा शायद जो भी होंगे वो पार्टी के नाम पर हैं, पार्टी हैं तो वो हैं,
अगर पार्टी नहीं है तो वो अपना वजूद साबित नहीं कर सकते। मैं सिर्फ पार्टी की बुनियाद पर नहीं हूँ, मेरे पास में दोनों चीज़ें, मेरा अपना भी है, मेरी जितनी सी उम्र है और मैं जब से पढ़ करके आया हूँ तो मैं लोगों के दरमियान हूँ और जो भी हालात, जब भी जो भी जैसे मसाइल आए मैंने उसको उठाया, मैंने उसको लोगों तक, आवाम तक उन बातों को लाने की कोशिश की। और जब इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जब अररिया में जब बाढ़ आया था तो मुझे लगता है कि शायद एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने पूरा सर्वे नहीं किया था कि कौन कौन लोग गए, लेकिन जब बाढ़ आया था तो सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई, चूँकि मैं मस्जिद में इमामत भी करता हूँ, मैं खतीब हूँ, तो मैंने अपनी मिंबर से वहाँ जो बाढ़ आया तो जो हालात जो बद से बदतर हो गए, पुल बह गया, पूरा का पूरा गांव बह गया था, तो मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई और लोगों से अपील की कि आप आएँ और उनकी मदद करें। लोग मेरी आवाज़ पर, लोगों ने लब्बैक कहा और मैंने ट्रॉली भर करके गल्ला जमा किया। 3 दिन के अंदर जितने कपड़े हम इकट्ठा कर सकते थे हमने कपड़ों को एक गट्ठा बनाया और उसके बाद 2 गाड़ी भर करके हम वहाँ अररिया पहुँचे और लोगों को हमने तकसीम किया। लेकिन यह है कि वहाँ जाने के बाद लगा कि वो जो कुछ हम लेके गए लगा जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, उससे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। बस एक गांव में हम गए, वहीं इतने हालात लोगों की बहुत खस्ता थी, चूँकि गांव का गांव बह गया था, उनके पास में रहने के लिए मकान नहीं था, कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, तो बस वो दे करके आ गए। उसके बाद फिर ये है कि एक सिलसिला चला और भी लोग गए, बहुत लोग गए। उसके बाद हम आपको बताएं, अभी 2019 में जब NRC का जब बिल राज्यसभा में जब पास हुआ और जो है ये CAB से CAA हो गया, जब ये बन गया, तो बबांगे दुहल यानी कि बिल्कुल ओपन रोड पर खुल करके सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाई। मैंने सबसे पहली मीटिंग की, उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग भी हमने बुलाई और उसके बाद फिर उसी मीटिंग में सब ने मिल करके जो हमारे साथ जितने लोग उस वक्त आए, जो पूरी टीम बनी, उन टीम ने एक फैसला किया। उसमें सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि हमारे जाने, उसमें जो कहने का मतलब है जो सारे दल के लोग सब शामिल थे उसमें, सब ने मिल करके एक फैसला लिया। और आपको पता होगा कि शाजंगी मेला मैदान में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पार्टी के बेस पर नहीं, मैंने काम किया है जितना सा मुझे मौका मिला, जब जब मौका मिला मैंने कभी अपनी जबान को बंद नहीं किया, जो हक बात है मैंने बोला और बबंगे दुहल बोला, किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, जो सच है तो है, मुझे जालिम के खिलाफ बोलना है तो बोलना है, चाहे हवा का रुख मेरे मुआफिक हो या मेरे खिलाफ हो, होता है तो होए, मैंने इसकी कभी कोई परवाह नहीं की। 1-2 सवाल और प्रदेश स्तर से लेंगे और उसके बाद हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर आएंगे, क्योंकि चुनाव आपको क्षेत्रीय स्तर पर लड़ना है। तो एक सवाल, पहला सवाल है कि सुशासन की सरकार ऐसा दावा करती है नीतीश कुमार, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, ये दावा क्या, इनके बारे में क्या कहेंगे, मैं मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को सब बात इनके बारे में पता है, इनकी हालत क्या है इनको भी पता है कि मेरी अपनी क्या पोजीशन है, और जनता भी खूब समझ रही है इनके, इन्होंने इसमें नो डाउट कि जब ये 2005 में जब आए थे तो 2005 में लोगों ने इन्होंने काम किया और उसी बेस पर इनको 2010 में फिर वोट मिला है ना। लेकिन सिर्फ इन्होंने काम किया 5 साल, 5 साल के बाद फिर इन्होंने राजनीति की, सिर्फ काम नहीं किया, ठीक है, सिर्फ राजनीति किया इन्होंने। और 15 से 20 का जो कार्यकाल है इसमें लोग, सिर्फ राजनीति नहीं, इसमें लोगों को बेवकूफ़ भी खूब बनाया। पहले गठबंधन के साथ आकर के इन्होंने सरकार बना लिया, सत्ता में आ गए, उसके बाद फिर वो निकल लिया अपना। तो लोगों को कहने का मतलब है, लोगों के साथ विश्वासघात भी इन्होंने खूब किया है, और कोई ऐसा काम 5 साल या पिछले 10 साल की अगर बात करें, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारे हमारे प्रदेश का जो कोई युवा खुश हो, हमारे प्रदेश के कोई बुजुर्ग खुश हों, या फिर हमारे यहाँ के जो छात्र जो स्टूडेंट हैं उनको, किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। जो हाल 15 साल पहले था वही हाल आज भी है। बेरोजगारी दर आप अगर कहें तो इस वक्त पता है बेरोजगारी दर उससे कई गुना बढ़ी हुई है। मेरा सवाल ही था ये भी कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में बेरोजगारी एक मुद्दा बना है, और आपको क्या लगता है कि वाकई में ये जो मुद्दा है ये जायज़ है और इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए? ये सबसे बड़ा मुद्दा सर इस वक्त, लोग कुछ भी कर लें, पढ़ करके आए, लिख करके आए, उनके पास में रोजगार नहीं, पेट का सबसे पहले सवाल आ जाता है। आप ग्रेजुएट हैं लेकिन आप उस ग्रेजुएट का आपके के बेस पर आपके पास में आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके यहाँ उस पर कहने का मतलब आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने के लिए कोई अवसर नहीं है, तो सब ले दे करके पेट का मसला आ जाता है। पढ़े लिखे लोग, आपको पता होगा कि हमारे प्रदेश के जो लोग हैं ग्रेजुएट लोग, हम कितनों का नाम बता सकते हैं कि जो जिन्होंने ग्रेजुएट किया वो जाकर के दिल्ली में जाकर क्या कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, वो डेली ढो रहे हैं जाकर के।
नो डाउट इसमें बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद, ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त। चलिए क्षेत्रीय स्तर पर आते हैं जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो समस्या अनगिनत है। बिल्कुल। रेलवे फाटक का समस्या, बिल्कुल। उसके बाद बाढ़, कुछ क्षेत्र जो है विधानसभा का बाढ़ से प्रभावित होता है, और हालांकि कुछ क्षेत्र सुखाड़ से भी, दूसरी समस्या। और सबसे बड़ी बात जो भागलपुर को पहचान दिलाई है सिल्क, और सिल्क को तैयार करने में बुनकरों का अहम योगदान है, और वो बुनकर खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र नाथनगर से आते हैं, और उन बुनकरों की स्थिति आज कहीं ना कहीं देनी। नाथनगर में जो बुनकर जो आते हैं, असल में वो जो हलका है, ज़्यादातर बुनकर जो हैं वो शहरी हलके में आ जाते हैं, हालांकि नाथनगर में भी हैं, बहुत दूर तक हैं, लेकिन उनका ताल्लुक शहर से भी है और नहीं के नाथनगर से भी है। यहाँ पर अभी इस वक्त जो मसला है सर, वो सिर्फ बुनकर का मसला नहीं रह गया है, ये मसला जो हालत उनकी बना रखी है हमारी गवर्नमेंट ने, वो हालत सबकी बना रखी है, सारे युवाओं के साथ यही मसला है, सब परेशान है। आप किसानों की बात करें, किसानों की भी वही हालत है, युवाओं की आप बात करें जो पढ़ लिख करके आए हैं, माँ बाप ने जमीन जगह बेच करके पढ़ा लिखा दिया उम्मीद के साथ, लेकिन वो पढ़ करके आए, अब घर में है, अब क्या करें, उसका समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या, कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ बुनकर का मसला नहीं है, ये आज के इस वक्त हमारे नाथनगर क्षेत्र में बुनकर का मसला, किसानों का मसला और युवाओं का मसला, तीनों का मसला एक जैसा है, तीनों परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, किधर निकले हम, ये तीनों के साथ सेम मसला है। इस साल तो खैर बारिश अभी हो गई है तो लोगों ने खेती वेती कर लिया, ठीक ठाक सी खेती है, लेकिन पिछले साल, उससे पहले कई साल से खेती नहीं हो रही, सुखाड़, बिल्कुल बिल्कुल सुखाड़। अब आप सोचे कि जिनके पास में 2-4 बीघा अगर जमीन है हमारे यहाँ पर, तो उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई वक्त नहीं, उससे कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। और यही चीज आप जाकर के दूसरे प्रदेश में देखें, अगर किसी के पास में 2-4 एकड़ 2-4 बीघा जमीन है तो वो बहुत खुशहाल फैमिली माना जाता है, बहुत अच्छी फैमिली, वो बहुत सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं वो, बल्कि वो तो ऐसे हैं 2-4 बीघा अगर एकड़ जमीन है उधर पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में, उधर अगर किसी, तो हमारे बिहार से वो मजदूर लेके जाते हैं कि आओ मेरे खेत में काम करो, आप सोचिए, जाते हैं, और आप सोचिए उनकी कितनी अच्छी स्थिति होगी। हमारे यहाँ 10 बीघा जमीन का कोई मालिक है तो उनकी कोई हैसियत, कोई माधवी नहीं है उसका, है तो है, लेकिन इस बार ये कह सकते हैं, तो कुल मिला के ये कहें कि हमारे यहाँ जो किसान की हालत है वो भगवान भरोसे, बारिश होगी तो खेती होगी, नहीं होगी तो उसके लिए कोई इंतजाम नहीं। इसी तरह से जो कोसी किनारे में, नदी के किनारे जो लोग आते हैं, वो बहुत बड़ी आबादी है, तो उनके साथ भी वही मसला है, अगर पानी आ गया, बारिश आ गया, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बच गए तो ठीक है, नहीं बच गए तो तुम जानो, कोई पूछने नहीं आता उस पर, बात क्या करना, उनको कोई देखने नहीं आता उनकी क्या हालत होती है, हमने खुद कई मरतबा हमने देखा है, कोई पूछने तक नहीं आता सर कि उनके लिए एक वक्त के कोई चूड़ा वूड़ा, कुछ सूखी चीज ही भेज दें, कुछ नहीं। युवाओं की भागीदारी अहम मानी जाती है, चाहे खेल का मैदान हो और राजनीति का, और ये मेरा सवाल खासकर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से जितने भी प्रत्याशी आते हैं उनसे मेरा रहता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे युवा लड़कियां जो हैं और लड़के भी प्रतिभावान हैं। मैं कई बार रिपोर्टिंग के लिए आपका क्षेत्र जाता हूँ तो मुलाकात होती है प्रतिभावान बच्चों से, उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग है अगर जीतते हैं तो? देखिए, आपने शायद वो हमारे जो पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो जो बना है, जिसको पप्पू यादव जी ने वो एफिडेविट करके कोर्ट में भी जमा किए, 30 साल बनाम 3 साल की जो बात की उन्होंने, आप अगर पूरा उनको, अगर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार आप देखें उनको, उन्होंने सब के लिए जो है वो क्या करने जा रहे हैं, पूरा एक लिस्ट उन्होंने तैयार की, हवा में उन्होंने कोई बात नहीं की, हम किसके लिए कितना क्या करने जा रहे हैं, जिनकी जो योग्यता है वो बर्बाद नहीं जाएगी। अगर कोई अच्छे नंबर से अगर कामयाब होता है तो उनके लिए, अगर कोई लड़का है तो उनके लिए उन्होंने बाइक का कहा कि हम उनको बाइक देंगे, लड़की है तो हम उनके लिए स्कूटी का हम देंगे, है ना। इसी तरह से जो लोग, जो अभी जो हमारे जो टीचर हैं, जितने नियोजित हैं, ठीक है ना, उन सारे नियोजित को सबको नियतम किया जाएगा, नियमित किया जाएगा सबको। तो जिसकी जो काबिलियत है उस काबिलियत के हिसाब से उनको उसका फायदा मिलेगा। कोई भी यहां पर 3 साल का जो उन्होंने वादा किया है, 3 साल पूर्ते 3 साल के अंदर किसी की जबान पर यह शिकायत नहीं होगी कि हम, मेरे अंदर यह काबिलियत है और मेरी काबिलियत का कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि 3 साल के बाद मैं आपको यह कहूं कि लोग
इससे उठ करके बात करेंगे, जो दूसरे आप दूसरे मुल्कों में जैसे यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में, वहां पर रोटी बूटी का कोई मसला नहीं, दाल रोटी का कोई मसला ही नहीं, इस पर कोई बात नहीं होती ना, ये चुनाव मुद्दा होता वहां पर, वहां पर बात होती ह्यूमन राइट्स की बात होती। तो हमारे यहां भी कुछ इस तरह का होगा इंशाल्लाह 3 साल के बाद। 3 साल का सिर्फ उन्होंने वक्त मांगा, 3 साल अगर हम लोग अगर उनको दें, और यकीनन दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो पप्पू यादव के साथ जो खास करके जो युवा जुड़े हैं, सबसे बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा उनके साथ युवा जुड़े हुए हैं। चलिए, एक सवाल होगा, कम शब्दों में जो है जवाब चाहेंगे कि नाथनगर विधानसभा की जनता जो है वो आपको यानी कि मुस्तफा को क्यों वोट करे? और ऐसा हम इसलिए पूछते हैं ताकि जो भी प्रत्याशी मैदान में आते हैं तो जनता के प्रति उनकी क्या मनसा है, वो क्या सोच कर मैदान में उतरे हैं, ये चीज पता चले। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैंने इसके कई जवाब कई मरतबा हमने दिए हैं। मुझे इसलिए वोट करें, अगर पार्टी बेसिस पर अगर आते हैं तो हमारी पार्टी इस लायक है कि उसको ही चुना जाए। और अगर मैं अपनी जाति बात करूं, व्यक्तिगत अगर बात करूं, तो मैं वो हूं जिन्होंने साबित किया है कि मैं जो कमज़ोर है मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैंने प्रैक्टिकली साबित किया है, मैंने करके दिखाया है, कमज़ोरों के साथ मैं खड़ा हूं, जो मजलूम है मैं उसके साथ खड़ा हूं, जिसको हक मिलना चाहिए मैं हक वालों के साथ खड़ा हूं, जो ज़रूरतमंद है मैं ज़रूरतमंदों के साथ खड़ा हूं, जिसकी जो ज़रूरत है मैं, जिसकी जो आवाज़ है कमज़ोरों की आवाज़ हो, मजलूमों की आवाज़, मैं उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना जानता हूं, और मैंने आवाज़ मिला करके दिखाया है। मेरे पास मेरी आवाज़ जहां तक जाती थी मैंने अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाई है। अब यहां की जनता मुझे मौका दे ताकि मैं अपनी आवाज़ को, उनकी आवाज़ को मैं अपनी आवाज़ बनाऊं और इस आवाज़ को दूर तक मैं लेकर के जाऊं, उनके जो हक है, उनके जो हकूक है उनको मिल सके और पूरा हक मिले, उसमें कोई बंदर बांट ना हो, उसमें कोई कटिंग छटिंग ना हो। एक सवाल याद आ गया तो मैं चाहता हूं कि आपसे हो जाए। बिहार की जो राजनीति है वो जातिगत पर आधारित राजनीति है, जातीय समीकरण पर टिकी हुई है, कहीं से अछूती नहीं है बिहार की राजनीति जो है, ऐसे में खुद को कहां पर देखते हैं? नहीं, देखें इस वक्त जो है पप्पू यादव की अगर बात करें, उन्होंने जो वो जो मैदान में उतरे हैं वो जात पात से ऊपर उठ करके उन्होंने काम शुरू ही किया है। तो जब तक हम इससे नहीं उठेंगे, ये कॉमन है सबके लिए, जब तक हम इस जात पात से ऊपर नहीं आएंगे तो समाधान नहीं हो सकता, मसले का हल कभी नहीं निकल सकता। इससे हमको उठ करके हर हाल में आना पड़ेगा, और हम अब तक जो नहीं उठे उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। जिस जात का के लोग सत्ता में हैं तो उनको लगता है कि मेरा तो वोट है, कहीं जाएंगे ना, हम कुछ करें नहीं करें, इसके मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सबको पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कब से जो है सत्ता में बैठ करके जो है वो बैठे हुए हैं और उनको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 5 साल निकालना है, चुनाव के वक्त में लोगों के बीच जाकर के हाथ जोड़ लेना है, दंडवत प्रणाम करना हो तो वो भी कर लेना है। तो इस वक्त बिहार के लोगों को जात पात से उठ करके, जब तक ये बात नहीं करेंगे, जब तक इससे उठ करके वोट नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं हो सकती, खुशहाली नहीं आ सकती, चाहे वो कोई भी हो, माइनॉरिटी के लोग हों या उसके अलावा कोई लोग हो, इससे उठ करके बात करनी पड़ेगी, इससे उठ करके काम करना। छोटा सा सवाल और बहुत ही कम शब्दों में आंसर जवाब चाहेंगे कि मुस्तफा को लोग नेता समझे या समाज सेवी? नहीं, मैं समाज सेवी हूँ, मुझे समाज सेवी ही समझा जाए, उस इसलिए कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है समाज सेवा करते हैं, हमारे वालिद साहब हों या हमारे दादा हों, हमने ये तीसरी नस्ल है, तीसरा पुश्त है जो समाज सेवा करते हैं, इसलिए मैं समाज सेवा ही हमेशा रहना चाहता हूँ, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्तफा थे, ये जाप यानी जन अधिकार पार्टी से नाथनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं, और मैं भी चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी भागीदारी निभाएं और नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतों का प्रयोग करें। हालांकि कोरोना का काल चल रहा है तो विशेष सावधानी बरतने की भी जरूरत है।